जी, वो राशिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऑफिस के काम से जा रहे हैं तो उन्हें अकेले ही जाने दीजिए, मैं वहां जाके क्या करूंगी। राजीव जाएगा तो तू साथ में जाएगी, कल्ला नहीं जाएगा ये। ओ भाई, तूने तो कहा था कि गलती करने वाले से गलती सुधारने वाला महान होता है। है, अब गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, अकेले घूमने फिरने का मौका मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाओ मौके का। है, लेकिन बीजी मैं, मैंने कह दिया सो कह दिया, और मेरी बात पत्थर की लकीर समझ लो, ये नहीं बदलेगी। राजीव जाएगा तो तू साथ में जाएगी, बस। तो इस वीकेंड तुम जूनागढ़ जाने के लिए रेडी हो ना? आई मीन तुम्हें कोई ट्रैवल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगी ना? नहीं संजू, इनफैक्ट मुझे तो ना बड़ा मजा आएगा यार, हम इतने दिनों बाद एक साथ होंगे अकेले, लॉन्ग ड्राइव, रोमांस, हाय। संजू, हम ना इसे अपने बेबी मून की तरह एंजॉय करेंगे, ओके? मैं ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करूंगी और इंटरनेट पे डालूंगी, #babymoonstories। तुम और तुम्हारे हैशटैग्स, कभी हैशटैग्स के बिना जीना भी सीखो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि वो एक्चुअली ट्रिप में ना एक छोटा सा इशू है, एक्चुअली हम दोनों के साथ एक तीसरा इंसान भी है इस ट्रिप में। कौन तीसरा? ओ, अब समझी कि पति पत्नी के बीच में ये तीसरा कौन आ गया। मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? तीसरे से तुम्हारा मतलब है हमारा चैंप, राइट? नहीं, आई मीन हाँ, ऑफ कोर्स हमारा चैंप है साथ, बट उसके साथ साथ परी भी हमारे साथ चलेगी। परी? परी क्या करेगी हम? आई मीन इस ट्रिप पर हमारे साथ क्या करेगी वो? नीति, वो एक्चुअली बीजी ने बोला कि परी को भी साथ ले जाओ, वो उसका हस्बैंड यहाँ नहीं है ना, और वैसे भी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो बीजी चाहती है कि वो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ एंजॉय कर ले, रिलैक्स कर ले और थोड़ा उसका मूड ठीक हो जाए। ऐसे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी यार संजू। नीति, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? यही कि फिर मैं और परी मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाय संजू, तुम्हें नहीं पता, बचपन से ही ना मुझे और परी को बड़ा शौक था कि किसी भी शहर में जाओ तो उसकी हर चीज खरीद लो। माय गॉड, जूनागढ़ का सारा मार्केट खरीद लेंगे हम तो। थैंक्स टू बीजी जो उन्होंने परी को हमारे साथ भेज दिया। आई एम वेरी हैप्पी। तुम तो हैप्पी हो, पर मेरी तो एक म्यान में दो तलवारों वाली सिचुएशन हो गई है। दो दो बीवा लेके जूनागढ़ का ये ट्रिप पता नहीं कैसे होगा मेरा। ओ गॉड, कुछ तो रहम करा करो मुझ पे। ओहो संजू, मुझसे नहीं और चला जा रहा, मेरे पैर दर्द हो गए हैं चल चल के, तुमने गाड़ी इतने पीछे क्यों रुकवा दी? अच्छा ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, वहाँ बैठते हैं छाऊ में। ओए, तुझे पानी पीना है क्या? हाँ यार। तो किसने बोला था इतने महीनों को लगेज पैक करने के लिए? लड़कियों का लगेज इतना ही होता है। बैठ जा। तुम बैठो। भाई साहब, एक पानी की बोतल देना। ये लीजिए, ये लो। मच बेटर। अच्छा तुम बैठो, मैं एक बार एड्रेस पूछ लेता हूँ इनसे। भाई साहब, ये एड्रेस देखेंगे कहाँ पे है, कुछ पता है? 436 नंबर का घर। हाँ, यहाँ तो 300 के ऊपर कोई घर ही नहीं है भाई साहब। भाई साहब, एरिया तो यही है ना, और एड्रेस भी यहीं का लिखा है। भाई साहब, मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, सालों से मेरी दुकान है, यहाँ पे सबको जानता हूँ, यहाँ पे 300 के ऊपर कोई घर ही नहीं है। ये लो पकड़ो। लेकिन वो नीति बोल रहे हैं कि ये एड्रेस यहाँ का है ही नहीं। सुना हमने। क्या यार संजू, कोई प्लानिंग नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, शायद इनको ज़्यादा पता नहीं होगा, मैं किसी और से पूछता हूँ, तुम यही रहना है ना? तुम भी ना। ओए, तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा ले। हाँ यार, भूख तो बड़ी लग रही है यार, पर बाहर का खाऊंगी तो एसिडिटी ना हो जाए। अगर कुछ नहीं खाएगी तो भी तो एसिडिटी हो सकती है ना। एक काम कर, तू बिस्किट खा ले। एक मिनट, सत श्री अकाल वीर जी, आपके पास बिस्किट होगा? नहीं, बिस्किट तो यहाँ नहीं है, वहाँ मिलेगी। वहाँ? हाँ वहाँ। ठीक है, थैंक यू। नीति, मैं लेकर आती हूँ। हाँ। आया, एक चाय देना। चोर! परी! ए भाया! परी!
बाहर से लेके नीति पकड़ो माया माया परी क्या हो रहा है मेरा पर्स लेके भाग गया लगेज का ध्यान रखो लगेज का ध्यान रखो तूने जानती है इन लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए चोरी करके सिर्फ शराब पिएगा और कुछ नहीं भाई साहब पैसे ना बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं और तुम्हें नीति रुक जा नीति शांत हो जाओ बात तो सुन ले यार मैं कॉल करता हूं शांत हो जा बात करता मेरी बात सुनो प्लीज को फोन मत करो साहब अब सब सब मैं जेल चला गया तुम मेरी फीस भर जाएंगे साहब नाटक देख लो इसे छोड़ कर दुनिया में कोई नहीं है साहब देखो तो सही कैसे नाटक कर रहा है ये फोन करो तुम रुकिए एक मिनट मैं जब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये देख ले डॉक्टर साहब की पर्ची मेरी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट है मैम साहब आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको झूठ लग रहा है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पर मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा आप चोरी के अलावा और क्या करते हैं मैम साहब मैं चोर नहीं हूँ मैं रिक्शा चलाता हूँ बीबी के इलाज के लिए पैसे नहीं है मैम साहब रिक्शा चला कर मैं इतने पैसे नहीं छोड़ सकता मैम साहब मैंने मदद के लिए सबसे पूछा भी पर किसी ने मदद नहीं किया मेरा और क्या करता मैं अपनी बीवी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता मैं करना पड़ा मुझे चोरी क्या करूं मैं भाई साहब आप अपनी बीवी को कितना प्यार करते होगे मुझे बताइए आप ऐसे अपनी बीवी को मरते हुए हालत में छोड़कर जा सकते हो बताइए ना मुझे तो मैं कैसे जा सकता हूँ संजू मुझे लगता है ये अभी भी झूठ ही बोल रहा है तुम फोन लगाओ आप एक मिनट रुकिए प्लीज एक मिनट बस ये कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए रखिए और ये कार्ड इस एड्रेस पे जाके कल नौकरी के लिए अप्लाई कर देना आप ऑटो चलाने के साथ साथ नौकरी भी करेंगे तो आपकी ही आमदनी बढ़ेगी और हाँ नेक्स्ट टाइम से चोरी करने के बारे में सोचिएगा भी मत क्योंकि गलत तरीके से कमाए हुए पैसे हमेशा गलत होते हैं भले ही किसी की भलाई के लिए क्यों ना हो ये बिल्कुल सही कह रही है अगर तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है कल ही जाकर ही नौकरी की बात करना हमारे शहर में ये सब लोग मेहमान हैं जैसे हमारे घर में आए हुए मेहमान हमारे लिए भगवान है वैसे ही हमारे शहर में आए हुए लोग भी हमारे लिए भगवान है अतिथि देवो भव हमारा ये फर्ज है कि हमारे शहर से जब भी जाए हमेशा अच्छी यादें लेकर जाए अपनी बीवी का इलाज करा लेना हाँ आप जल्दी जाइए हॉस्पिटल आपकी बीवी वेट कर रही होगी जाइए अरे अरे बस बस हेलो मैं प्रतीक्षा और आप मैं संजू चंडीगढ़ से सत श्री अकाल मैं परिणीत और मैं नीति हम तीनों चंडीगढ़ से ही आए आप लोग यहाँ घूमने आए नहीं एक्चुअली मैं किसी ऑफिस के काम से आया था और ये लोग घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए आए थे वैसे प्रतीक्षा मुझे नहीं लगता कि तुमने उस चोर को भेज के ठीक किया मुझे नहीं लगता कि उसे सच में कोई प्रॉब्लम थी ऐसा नहीं है हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो हमें दूसरों पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए हम हमेशा नेगेटिव और गलत तो नहीं सोच सकते ना हाँ वो तो ठीक है पर ऐसे चोर लुचकों पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए उसको हमें पुलिस के हवाले ही करना चाहिए था अब देखो तुमने उसे पैसे तो दिए लेकिन वो पैसे कब तक काम आएंगे कुछ दिन और कुछ दिनों के बाद उसे चोरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा तो फिर से चोरी करेगा वो तो बहुत बार वक्त और हालात के सामने इंसान हार जाता है ऐसे वक्त में हम उसकी मदद करके थोड़ी सी उम्मीद जगा सकते हैं और वो तो सुना ही होगा उम्मीद की एक किरण किसी की भी लाइफ बदल सकती है तो आज मैंने उसे कुछ रुपए दिए उसे मेरे ऊपर भरोसा हुआ कल को उसकी नौकरी लग जाएगी और उसकी बीवी का इलाज हो जाएगा तुम बिल्कुल सही कह रही हो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जैसे अगर किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो किनारे तक पहुंच ही जाता है बिल्कुल वैसे हाँ पर उसे जॉब देगा कौन और क्यों ही देगा उसे नौकरी
आपने उसके माथे का तिलक देखा? हाँ, पर उसे जॉब का क्या लेना देना? मैंने उसे मंदिर भेजा है, सरपंच जी उसे वहाँ जूते चप्पल की निगरानी का काम देंगे, जूते चप्पल चोरी होने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मंदिर ट्रस्ट में उसकी बीवी का फ्री इलाज भी हो जाएगा, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। वाह प्रतीक्षा जी, आपकी सोच और समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। ये तो वही कहावत हो गई, एक तीर से दो निशाने। इस तीर से आपने किसी का नुकसान भी नहीं किया बल्कि उसको खुशियां मिली हैं। पता है, अगर आप जैसी सोच के इंसान इस देश में बढ़ जाए ना, तो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया और भी इनक्रेडिबल हो जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब आपने चोर को पैसे दिए ना, तो वो बात मुझे भी नहीं समझ आई, पर जब प्रतीक्षा ने वजह बताई तो एक बात जरूर समझ आ गई। अगर आप किसी की मदद करो तो ऐसी करनी चाहिए कि सामने वाले की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और समाज के लिए कुछ अच्छा भी हो जाए। आपने बहुत सही किया। नीति तू बता, प्रतीक्षा ने जो कुछ भी किया तुझे सही लगा? You're too good, by God. आया, आपका बैग। ओह सॉरी सॉरी, हम तो लगेज भूल ही गए थे। जी पर्स मिल गया? जी जी पर्स मिल गया, मिल गया पर्स। ठीक है ठीक है। थैंक यू। जी भैया। हाँ जी। काफी अच्छे लोग हैं आपके यहाँ के। थैंक यू। आप लोग यहाँ कहाँ रुके हैं? वो एक्चुअली कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं ऑफिस के ट्रिप से आया था, तो ऑफिस वाले ने कुछ रहने का अरेंजमेंट किया था और वो जो जगह उन्होंने बुक की थी वो यहाँ हमें कहीं मिल ही नहीं रही है। हमने बहुत जगह पूछा बट वो एड्रेस है ही नहीं। हमने ऑनलाइन चेक किया, गेस्ट हाउस रिजॉर्ट सब बुक है। मे बी वो फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, इसकी वजह से। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अनजान शहर में कहाँ जाएँ क्या करें, लेकिन अब हम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। अतिथि देवो भव कहा है ना, तो उसे पूरा भी करूंगी। आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, वहाँ आराम कीजिएगा और हाँ, गुजराती खाना भी मिलेगा। नहीं नहीं प्लीज, पहले ही आपने इतनी हेल्प की है, ये सब मत कीजिए। अब बस इतना बताइए कि यहाँ कोई गेस्ट हाउस या ऐसी जगह है जहाँ पे हम रात को रह सकते हैं? इस सीजन में गेस्ट हाउस होटल सब कुछ फुल होंगे, तो आप लोग प्लीज मेरे घर चलिए। हाँ मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। अगर ऐसी बात है तो आज पंजाबियों और गुजरातियों की महफिल जमाते, गरबे के साथ भंगड़े का तड़का लगाते हैं। चलिए। अरे हाँ बच्चों, चलो चलो। नमस्ते नमस्ते। चलो चलो। अरे अरे गरबा गरबा ना जी। नमस्ते नमस्ते। पहला गरबा है, गरबा है। लो बेटा। बांका जी क्या स्वागत किया आपने। क्या आप लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं, या फिर आप सब लोगों का स्वागत ऐसे ही करते हो? हमारी प्रतीक्षा है ना, उसने हमें बता दिया था कि उसके कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो अब मेहमान जब घर पे आने वाले हो और उनका स्वागत ना हो, ऐसा भला हो सकता है? और हम गुजराती भी ना पंजाबियों से कम नहीं है मेहमान नवाजी में। अच्छा, हम लोग चंडीगढ़ से, ये भी बता दिया आपको। पता है, वैसे तो मैं कई बार गुजरात आ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं एयर होस्टेस हूँ ना, तो आना जाना लगा रहता है मेरा, बट हमेशा होटल में ही रुकी हूँ। पहली बार मैं किसी ऑथेंटिक गुजराती घर में आई, एंड मानना पड़ेगा इतना सुंदर घर है आपका। बहुत सुंदर घर है आपका। कलर्स भी कितने सारे हैं ना। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ घर देखा है, घर का खाना तो खाओ एक बार। ए बारबी, कुछ खाने को? अंकल जी आंटी जी, नहीं नहीं अंकल जी प्लीज, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है बेटा, और प्रतीक्षा की मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाओगे तो मजा आ जाएगा। आओ आओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। आंटी जी इतना सारा खाना तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू। तो हाजर छे અમારા ગુજરાતીઓની સ્પેશિયલ ફેવરિટ ટેસ્ટી આઇટમ્સ, આ છે ખમણ, આ છે જલેબી, આ છે ફાફડા અને આ છે પાતરા। આંટીજી ખાના તો બહોત ટેસ્ટી લગ રહા હૈ। હા તો ખાના શરૂ કરો। યે સબ તો ફિર ભી ખાયા હુઆ હૈ, પર પાતરા કભી નહીં ખાયા। હા તો બેટા આજે ખાઈને જોઈ લે। મેરા કહેને કા મતલબ હૈ, આજ પાતરા ખા લે ઓર મુજે બતાના કી કૈસા લગા। આંટીજી પાતરા તો બહોત ઝ્યાદા ટેસ્ટી, આપને કોન સી દુકાન સે મંગવાયા? मैं घर जाऊंगा तो पैक करा के लेके आऊंगा बहुत सारा। किसी दुकान से नहीं, माँ ने अपने हाथों से बनाया है। Really? ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी आंटी जी। हाँ आंटी जी, आपके हाथों में तो जादू है, ये बहुत टेस्टी है। अच्छा, पर इतने से थोड़ी ना कुछ होगा, अभी तो आप लोगों को हमारा फेवरेट घुघरा भी खाना है। अरे नहीं 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 आंटी जी, इतना सब कुछ तो है, प्लीज और कुछ मत लाओ। अरे ऐसा थोड़ी होता है, घुघरा तो भाई खावा पड़से। हाँ हाँ नीति जी, आप आराम से खाइए, यहाँ का पानी बहुत हल्का है, आपको फिर से भूख लग जाएगी।
चलो बेटा। और माँ आप कह रहे थे ना मेरे गोड़ धाने में चंडीगढ़ से कोई नहीं आया, देखिए ये लोग आ गए। सब ठाकुर जी की कृपा। ये लोग सब आ गए। वैसे आंटी जी ये गोड़धाना क्या होता है, पहले कभी नहीं सुना। जैसे आप लोगों में सगाई और मंगनी की रस्म होती है ना, वैसे हम लोगों में गुजरातियों में गोड़धाने की रस्म होती है, जिसमें गुड़ और धाना एक दूसरे को दुल्हा दुल्हन खिलाते हैं और सगाई की अंगूठी पहनाते हैं रिश्तेदारों के बीच में। इसका मतलब तुम्हारी सगाई है? अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लख लख बधाइयां। कांग्रेचुलेशंस प्रतीक्षा जी। थैंक यू। अरे तुम लोग लो ना। हाँ ये बेटा। अरे आंटी जी नहीं नहीं बहुत है, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, मेरे ऑफिस से कॉल, मैं जस्ट अभी आया। अरे तुम लोगों ने ये चटनी बटनी नहीं ली क्या? लो ना, ये फाफड़े के साथ चटनी खानी पड़ती है तभी टेस्ट आएगा। चलो चलो। ओके बस बस बस, खाके तो देखो। सब ठीक तो है बेटा? हाँ जी अंकल, वो एक्चुअली जिस मीटिंग के लिए मैं यहाँ आया था वो लकीली पास में ही है उसकी लोकेशन। अच्छा। वैसे प्रतीक्षा अंकल जी आंटी जी, आप लोगों से मिलके ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, वो तो अपने सगे रिश्तेदार भी नहीं करते। थैंक यू। अरे बेटा मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि हमारा स्वभाव और हमारी नीयत अगर अच्छी हो ना तो हम गैरों को भी अपना बना लेते हैं, और अगर नीयत खराब हो, स्वभाव खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अरे तमिल लोगों को खाओ ने, फिर हम लोगों को गोड़धाने की रस्म के लिए तैयार भी होना है ना। चलो चलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बाबा जी ने हमें प्रतीक्षा के खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ भेजा है। हाँ ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि हम संजू की मीटिंग के लिए यहाँ हैं। अच्छा तो इनका नाम संजू है और आप? जी मेरा नाम है नीति और ये है मेरे हस्बैंड संजू, और ये है परी मेरी दोस्त, मेरी बहन, आई मीन दो जिसमें एक जान। हम लोग ना बचपन से एक साथ हैं। अंकल जी आंटी जी मैं चलता हूँ, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा तो गोड़धाना की रस्म में तुम आओगे ना वापस? आंटी जी अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो जल्दी आ जाऊंगा, वरना थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वो क्या है ना कि एक दिन के लिए आए हैं और एक दिन में सारा काम कंप्लीट करना है। अंकल जी आंटी जी थैंक यू सो मच, इस अनजान सिटी में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया। थैंक यू सो मच। एंड प्रतीक्षा जी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, और आंटी जी मैं जल्दी आऊंगा। हाँ पर पक्का आना। हाँ जल्दी आना बेटा, कोशिश करना बेटा। हाँ जी ओके ओके बाय बाय। चलो बेटा अब हम लोगों को भी गोड़धाना के लिए तैयार होना है ना। चल। पर आंटी जी हमारे पास तो फंक्शन वाले कपड़े ही नहीं है। तो हूँ छू ने हूँ क्या रे काम आविश। आज मैं तुम दोनों को हमारे गुजराती ट्रेडिशनल कपड़े दूंगी और तुम दोनों को वही पहन के आना है। हाँ गोड़धाने में। अरे वाह ठीक है। आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं भी रेडी होके आती हूँ। अरे उसके पहले ये खाना तो कंप्लीट करो, नाश्ता तो कंप्लीट करो। चलो चलो, चलो, चलो। मैं आती हूँ। चलो बेटा जी। अरे आप भी नहीं ले रहे हो ना? जय श्री कृष्ण। आओ 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 कम छो। आओ बेटा जय श्री कृष्ण। बाकी बजावा। सत्श्रीकाल। सत्श्रीकाल। ये लोग कौन हैं? ये परी और नीति हमारी खास मेहमान चंडीगढ़ से आए। अच्छा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की कृपा से आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। आज हमारी मिठुड़ी धवल कुमार की हो जाएगी। साचे हमारा दवे परिवार जो है ना एकदम नसीब वाला परिवार है। अब देखो ना आज दवे परिवार एंड पारेख परिवार इन दोनों की शादी से संबंध में जुड़ने जा रहे हैं। और जिग्नेश भाई की तो क्या बात करना, अरे जूनागढ़ में सबसे नामी शिक्षक है, नामी शिक्षक। और सबसे बड़ी बात हमारी बहू प्रतीक्षा है ना वो भी टीचर। अरे हमने तो मान लिया है कि हमारे धवल के लिए है ना प्रतीक्षा से अच्छी कोई लड़की मिल ही नहीं सकती। अरे शादी के बाद ये धवल और प्रतीक्षा रास्ते से निकलेंगे ना तो लोग देख के क्या बोलेंगे, अरे राधा कृष्ण की जोड़ी जा रही है। अरे भाई साहब जोड़िया तो ठाकुर जी ही बनाते हैं, वो जो हमें इशारा देते हैं ना बस उस इशारे पे ही हम लोग चलते हैं, सब ऊपर वाले की माया है। वैसे बेटा तुम लोग दोनों पहली बार जूनागढ़ आई हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हमें तो बड़ा मजा आ रहा है आंटी जी, बाय गॉड। कौन सोच सकता है कि हम चंडीगढ़ से जूनागढ़ आएंगे और इस फंक्शन में शामिल हो जाएंगे।
सच में बाबा जी किसकी जोड़ी किसके साथ बना दे, किसे कहाँ मिला दे, कोई नहीं कह सकता। एकदम सच्ची बात। लेकिन प्रतीक्षा कहाँ है, हा? ये देखो हमारे धवल का मुंह तो देखो, उसे देखने के लिए उठा हो रहा है। हाँ। अरे बुलाओ बुलाओ बेटा बुलाओ। हाँ। जाओ जाओ बेटा लेके आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। मुबारक हो, अभी शादी भी जल्दी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ ये लो बेटा। मैं तो रब से यही अरदास करूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर सच्चा प्यार मिले, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जैसे मेरे साथ हुआ। जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहे, जैसे राशि और नीति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे पति का रिश्ता प्रतीक्षा, हमेशा एक सच्ची जीवन साथी और आदर्श धर्म पत्नी बनकर रहना, अपने पति का साथ जीवन भर निभाना। जीवती रहे, खुश रहो बेटा। ठाकुर जी तुम दोनों को खूब खुश रखे। ठाकुर जी तुम्हारा बनने नहीं जोड़ी सलामत रखे। बेसो, बेसो। अरे जाओ बेटा, तुम दोनों भी अपनी खास सहेली और जीजू को बधाई दे दो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा लव बर्ड्स की तरह ही बने रहना। हाँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का प्यार बड़ी जल्दी गुल हो जाता है। मैं बाबा जी से यही अरदास करूंगी कि तुम दोनों की जोड़ी ना ऐसे ही बनी रहे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हर एक मुसीबत में खड़े रहो। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, आप दोनों को शादी में भी आना होगा और बहुत सारी मजे मस्ती सब करनी है। अरे आना होगा क्या, आना ही है, वो भी पूरी फैमिली के साथ आना है। हम जरूर आएंगे। 28 नवंबर को एंगेजमेंट भी है, उस दिन भी आप लोगों को आना है और सारी तैयारियां भी करनी है। और हाँ, उसके बाद नवरात्रि भी तो है। बिल्कुल। प्रतीक्षा अब तो तुम हमारी बहन बन गई हो और बहन की हर खुशी में शामिल होना तो बनता है। बिल्कुल। तुमने हमें जितनी रिस्पेक्ट दी है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो आज से तुम हमारी जूनागढ़ वाली बहन और हम तुम्हारी चंडीगढ़ वाली बहनें।